हेलो फ्रेंड्स, सभी को आदर्शवादी उपदेश देने वाले चंपक चाचा को सोड़ी ने देखा है शराब यानी कि मदिरा पान करते हुए। तो क्या है इस सब के पीछे पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की जो रीसेंट स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भरी है और काफ़ी ज़्यादा अजीब भी है, क्योंकि एक तरह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का पूरा इतिहास ही बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्नों में यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के इतिहास के पन्नों में यही दर्ज है कि जो चाचा जी हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरे हैं, बहुत ही आदर्शवादी हैं। ऐसे में जब वो मदिरा पान करते हुए पकड़े गए सोड़ी के द्वारा, तो यहाँ सभी के दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि ये सब कैसे हो सकता है, यानी कि चाचा जी अपनी जवानी के दिनों में शराब पीते थे। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। दरअसल हम आपको बता दें कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर जाते थे शराब पीने के लिए, उनके साथ बैठते जरूर थे, लेकिन वो शराब कभी भी नहीं पीते थे। वो पीते थे तो सिर्फ काढ़ा पीते थे जो कि बिल्कुल शराब की तरह नज़र आता था, और इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खूब हंसी मजाक किया करते थे। तो इस वक्त यहाँ पर जो हमारे चाचा जी हैं वो काढ़ा पी रहे हैं, ना कि मदिरा पान कर रहे हैं। तो सोड़ी को यहाँ पर जो गलत फहमी हुई है उसका इलाज जल्दी ही होने वाला है, लेकिन आई होप कि हमने आपको जो भी बताया है वो आपको सब समझ में आ गया होगा। और स्टोरी में आप देख लीजिएगा, यही क्लाइमेक्स आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप सभी कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल